आरजेडी प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने आज बीजेपी और आरएसएस पर जमकर प्रहार किए। अगस्ता मामले पर उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सोनिया गांधी पर लगे आरोप पर उन्होंने कहा कि अगर सोनिया जी बेईमान है तो देश में कोई भी ईमानदार नहीं हो सकता। अगर सरकार जाँच ही कराना चाहती है तो देश के साधु संतों की अकूत संपत्ति की जाँच होनी चाहिए। देश के 99% साधु संत ढोंगी हैं। उन्होंने रामदेव व श्री श्री रविशंकर पर भी निशाना साधा। बिना जांच पड़ताल किए सेना ने जो लिया था अगस्ता और जो लोग जो संबंधित होंगे जो प्राइम मिनिस्टर देख ले या पार्टी के अध्यक्ष कोई पार्टी के या चीफ मिनिस्टर सौदा नहीं करता था कोई चीज सब जो मापदंड होते हैं कहीं भी उसको देखा जाता है सब चीज़ और जो करते हैं तो उधर सबसे ज़्यादा ऊँचा में हेलीकॉप्टर उसे पहाड़ी फिर उसको इंक्वाइज करके पठानकोट देश में बेरोजगारी काला धन किसानों के ऊपर जो संकट है पानी का इन तमाम सवालों को चर्चा को डाइवर्ट करने के लिए ये घोटाला का बात रहा। रेवाड़ी से अजार टीवी न्यूज के लिए अजय अत्री की रिपोर्ट।